आपके दिल दिमाग में जो परेशानी है बोलने की जरूरत ना पड़े, उसके बिना ही समझ आए सरकार, उसको बोलते हैं मिशन मोड। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो बहुत सारा दूध जो किसान हमारे यहाँ भाई पैदा करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, और भी जितने भी आपके घरों में बेरोजगार बैठे हैं वो भी अपने गाय भैंस खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा करें। बड़ी तरीके से बड़े जोर शोर से हम जो काम कर रहे हैं डेयरी सेक्टर में, इसमें बड़ी संभावना है बेरोजगारों को आगे आने की। बड़ी बड़ी डेयरियाँ लगाई जाएँ, खुद पंजाब से जाके आप एनिमल्स लाओ, गाय लाओ और यहाँ पर डेयरियाँ खोलो और जितना भी दूध पैदा कर सकते हैं वो हमें दो। कोऑपरेटिव यहाँ पर कम से कम 1400-1500 सोसाइटी हमारी ग्राउंड पर काम कर रही हैं और भी बढ़ा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को बड़ी फास्ट ट्रैक पर बढ़ाना है, जो हम बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन JKMPCL है, जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये अच्छा काम कर रही है। इसमें 50,000 लीटर अभी और ऐड हो रहा है, तो हम लगभग 3,00,000 लीटर जो है मिल्क प्रोसेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हमारा टूर जो किसानों को अवेयरनेस देने के लिए, जैसे हमारे जम्मू के कश्मीर के किसान बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको गाय पालन का इतना अच्छा पता नहीं है। कुछ पहली बात तो जो सारे लोग जो बॉर्डर से आए हुए हैं इनको इतना पता भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है सेंटर की स्टेट की भी लोगों को अवेयरनेस करना है, उनको बताना है कि दूध कैसे उत्पादन करना है, दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हमने गाय और भैंसें दोनों रखे थे और अभी भी रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम दूध कैसे बढ़ाएं, दूध की उपज कैसे हो जाए, ज़्यादा हो जाए हमारे दूध की गुणवत्ता, यही सीखने के लिए हम जा रहे हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट अब कितना खर्चा कर रही है, हमको चंडीगढ़ सिखाने के लिए लेके जा रहे हैं और हम सीखने के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जहाँ पर हमें दूध की कमी आती है वहाँ पर दूध की कमी के लिए हमारे को बुलाया जा रहा है। हम जा रहे पहुँचेंगे और पहुँच करके वहाँ पर सीख के आएंगे और आकर के उन लोगों को भी बताएंगे जो 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 आज जहाँ पर पहुँच नहीं सके हैं।